और आप असेस करते हैं कि स्टूडेंट्स एक रिक्वायर्ड लेवल से या नीचे हैं या वो उसे तजावुज़ कर गए हैं और उनको एक रिक्वायर्ड लेवल पर लाने के लिए हेल्प नीड्स टू बी सोलिसिटेड तो वहाँ नीड्स असेसमेंट जो है वो मदद देती है टीचर्स को काउंसलर्स को और दीगर स्टाफ मेंबरान को कि नीड्स असेसमेंट करके वो किसी नतीजे पर पहुँचें और ये अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे कौन से तलब इल्म हैं जिनको ख़ास मदद की ज़रूरत है सो so, कोड ऑफ कॉन्डक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पहली बात तो यह है कि क्या स्कूल में कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है डू यू हैव अ स्पेसिफिक लाइन अगेंस्ट विच विच बिकम्स योर बेंच मार्क अगेंस्ट विच यू मार्क द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इफ यू सेट स्टूडेंट्स हैव एक्सीडेड देयर लिमिट्स देन दे नीड रेफरल एंड फॉर देट नीड असैसमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इफ दैट इज नॉट डन फिर होता यूं है कि बाजात हम स्टूडेंट्स को गलत तरीके से लेबल कर देते हैं या हम एक्सट्रीम सेवेरिटी का शिकार हो जाते हैं हर आने वाले बिहेवियर पे जो कि क्रॉप अप हो जाता है किसी भी वक्त हम ये समझते हैं कि यहाँ पे रेफरल की ज़रूरत है तो पहली बात तो यह है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट ड्रा करें और उसके बाद हम रेफरल सिस्टम के ऊपर आएँ इट इज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू चॉक आउट सर्टन प्रिंसिपल्स दैट मस्ट बी अबाइडेड बाय इन स्कूल्स

लेकिन इसमें यह देखना भी जरूरी है कि एंटी सोशल बिहेवियर की नौयत क्या है स्टूडेंट किस हद तक अपनी लिमिट से तजावुज कर गया है और वो कौन से लिमिट है जिसको क्रॉस करने के बाद आपका ख्याल है दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू बी रेफर टू अ स्पेशल स्पेशलाइज्ड पर्सन इसके अलावा इफ अ स्टूडेंट इज एग्जिबिटिंग एक्सट्रीम एग्रेशन दैट स्टूडेंट नीड्स अ रेफरल तो नीड्स असेसमेंट से यह पता चल जाता है लाइन क्रॉस हो चुकी है एंड द स्टूडेंट इज एक्सीडिंग हिज और हर लिमिट ऑफ एग्रेशन एंड दिस पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न नीड्स हेल्प इसके साथ साथ डिफायंस का मतलब यह है दैट द स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो रूल्स अ स्टूडेंट रिफ्यूज टू अबाइड बाई सर्टन रूल्स ही डिफाइज दैम ही नो नाउ टू वट एक्सटेंट कैन यू टॉलरेट नो अगेन इफ देर आर प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस इफ देर आर सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स इन प्लेस देन यू वुड नो दैट इफ अ स्टूडेंट कीप्स सेंग नो टू थिंग्स दैन ही और शी हैज़ क्रॉस द लिमिट्स एंड नीड्स टू बी रेफर टू स्पेशलाइज्ड हेल्प अब यहाँ पर ये यह सब चीज़ें इन चीज़ों का इनका उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने स्कूल में एक प्रॉपर नीज असेसमेंट करें अपने स्टूडेंट्स के बिहेवोरियल पैटर्नस को जज करें ये देखें कि वो किन बैकग्राउंड से आए हैं और एक्सपेक्टेड बिहेवोरियल पैटर्न ऐज के हिसाब से क्या हो सकते हैं उन सब तमाम चीज़ों को सामने रखकर कर सिस्टमेटिक प्लान डेवलपमेंट की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम मुनासिब वक्त के ऊपर स्टूडेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं स्पेशलाइज हेल्प उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा ये देखना ज़रूरी है कि एक ख़ास उम्र के बच्चे ख़ास तरह से बिहेव करते हैं अगर उस खास उम्र में वो अपना बेंच मार्क फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पर आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प की जरूरत होती है दैट सिग्निफिकेंटली पॉइंट एट देशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर डिटर्मिंड बाय अ सर्टन एज फैक्टर एंड इफ स्टूडेंट्स क्रॉस दैट लिमिट देन दे नीड अ प्रॉपर रेफरल सो दीज थिंग्स कैन ओनली बी पुट इन प्लेस वंस वी डू अ नीड्स असेसमेंट एंड वंस वी हैव सिस्टमैटिक प्लानिंग इन स्कूल्स we have rules and regulations in place we have a proper code of conduct so that when students they produce maladaptive behaviors then they are assessed properly and then they are referred to specialized help as a support service because the ultimate goal is to bring back the student to mainstream education to mainstream behavior patterns and then to enable him to become a functional human being